प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। देखिए मुकदमा पति पत्नी के बीच में होने लगे, दिक्कत आने लगे तो क्या उपाय किए जाएं ये हमने समझा, लेकिन ऐसा क्या करें कि पति पत्नी के आपसी रिश्ते बेहतर हों, ईगो प्रॉब्लम की वजह से मुकदमेबाजी ना हो, मुकदमेबाजी की नौबत ना आए। नियमित रूप से घर में शिव परिवार की पूजा होती रहे तो घर में संतुलन बैलेंस बना रहता है। नियमित रूप से घर में शिव परिवार की पूजा होती रहनी चाहिए। सुबह और शाम घर में पूजा अवश्य होनी चाहिए। सुबह के समय दीपक जला के धूप बत्ती जला के प्रार्थना की जाए और शाम के समय भी दीपक जला के धूप बत्ती जला के पूजा की जाए, आरती किया जाए, शंख ध्वनि की जाए तो बहुत अच्छा होगा। घर की तरंगे बहुत पॉजिटिव होंगी, बहुत सकारात्मक होंगी। घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। देखिए घर में मांस मदिरा का प्रयोग करने से तामसिक वृत्ति बढ़ती है और अगर तामसिक वृत्ति बढ़ेगी तो इसका संबंध कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन पर, पति पत्नी पर जरूर पड़ेगा और ये बाद में चल करके स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। सप्ताह में एक बार पति और पत्नी संयुक्त पूजा अवश्य करें। पति पत्नी एक साथ मिल करके ज्वाइंट पूजा करें तो बहुत बढ़िया होगा, बेहतर होगा। पति पत्नी शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ एक साथ करें, घर के सभी लोग मिलकर के करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से घर के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे और घर की तरंगे अगर अच्छी होंगी तो घर में रहने वाले लोगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और मुकदमेबाजी की, विवाह टूटने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। देखिए वैवाहिक जीवन में ज्यादातर मामले में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप इतना ज्यादा होता है कभी कभी कि उस वजह से पति पत्नी के बीच में गलत फहमियां पैदा होती हैं और शादी में मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। हालांकि पति भी चाहता है कि उसका जीवन ठीक चले, डिवोर्स ना हो, और पत्नी भी चाहती है, लेकिन मामला इतना बिगड़ जाता है किसी दूसरे की वजह से कि मामला मुकदमेबाजी तक पहुँच जाता है। क्या करना चाहिए? अगर पति पत्नी दोनों साथ में रहना चाहते हों, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों, लेकिन फिर भी बेवजह मुकदमेबाजी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी को, दोनों को सप्ताह में एक दिन, खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और माता लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्रवार के दिन गुलाब के फूल अर्पित करके उनसे प्रार्थना करें कि वैवाहिक जीवन बच जाए। तो अगर ऐसा पति पत्नी करते हैं या पति पत्नी में से कोई एक करता है और चाहता है कि शादी बच जाए, दोनों के बीच में लगाव है लेकिन फिर भी बेवजह की मुकदमेबाजी हो रही है किसी दूसरे की वजह से, तो ये उपाय करने से ये मुकदमेबाजी बंद हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।